नमस्कार, खबर समय जगत में आपका स्वागत है। मैं हर्षिता जौहरी। आइए नजर डालते हैं देश प्रदेश से जुड़ी तमाम खबरों पर। कालापीपल में कोविड 19 कोरोना वायरस की महामारी के चलते प्रशासन व स्वास्थ्य अमला सतर्क है। आज से कक्षा 12वीं के एग्जाम शुरू हो गए हैं। नगर खोखरा कला में शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय को सर्वप्रथम सैनिटाइज कराया गया। साथ ही कक्षा में उपस्थित छात्र छात्राओं व प्राचार्यों की भी स्क्रीनिंग की गई। स्वास्थ्य विभाग से डॉक्टर गजेंद्र ताम्रकार ने जानकारी देते हुए बताया कि आज यहां पर छात्रों व विद्यालय परिवार की स्क्रीनिंग की गई, जिसमें सभी स्वस्थ हैं। साथ ही केंद्र अध्यक्ष रजनीश द्विवेदी ने बताया कि शासन के निर्देशानुसार सभी छात्रों को मास्क लगवाए गए, सोशल डिस्टेंसिंग के साथ परीक्षा हॉल में बिठाया गया, जिसमें केंद्र सहायक संजय स्वर्णकार, जयप्रकाश गुप्ता, मनोहर लाल पाटीदार, स्वच्छताग्राही संजय पाटीदार, आशा सहयोगिनी मीना सेन उपस्थित रहीं। अभी अपने देश पे जो संकट आया हुआ है कोरोना का, उसके तहत शासन के निर्देश हैं कि बच्चों को हाथ धुलवा करके, सैनिटाइज से उनका हाथ साफ करवा करके, फिर मास्क लगा करके परीक्षा में बैठाएं और सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन करते हुए उन बच्चों को हमने आज बिठाया है। और स्वास्थ्य विभाग की टीम आई हुई है, उन्होंने उनका टेम्परेचर भी लिया मशीन से जी। सब नॉर्मल हैं, सब ठीक हैं और सब बच्चे दूर दूर बैठ करके अपनी परीक्षा दे रहे हैं। आज रसायन शास्त्र का पेपर है और यह परीक्षा संपन्न हो रही है सानंद। सभी छात्रों की एवं विद्यालय परिवार की स्क्रीनिंग की गई, जो नियमित जब तक परीक्षा चलेगी तब वो की जाती है। खबर समय जगत के लिए काला पीपल से दिलीप महेश्वरी की रिपोर्ट। फॉर लेटेस्ट न्यूज सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन।